गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि मंडल में लक्ष्य के सापेक्ष 92% धान की खरीद की जा चुकी है और उम्मीद है कि गोरखपुर मंडल अपने लक्ष्य को पूरा करेगा। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि मंडल के करीब 450 धान क्रय केंद्र खोले गए हैं, जहां किसानों के धान को शासन द्वारा निर्धारित मूल्य 1866 रुपए में खरीदी जा रही है, जो बाजार मूल्य से अधिक है। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि सभी क्रय केंद्रों को सक्रिय रखा गया है तथा लापरवाही करने वाले केंद्रों पर कार्रवाई के साथ कुछ क्रय केंद्रों पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, धान खरीद जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो रेट है 1868 रुपए है क्विंटल का, और यदि आप बाजार का रेट देखें तो जब हमने धान क्रय शुरू किया अक्टूबर में, उस अक्टूबर की तुलना में आज बाजार का रेट हमारे MSP की वजह से आज वो भी बढ़ के करीब 1300 के आसपास मुझे बताया गया है। लेकिन अभी भी मार्केट रेट और जो MSP पर धान क्रय केंद्र खरीद रहे हैं, सरकार खरीद रही है, उसमें 400 से 500 रुपए का गैप है। मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि धान क्रय केंद्र की बड़ी प्रभावी और महत्वपूर्ण भूमिका है गांव के किसान को सही दाम दिलाने में, और हमारे करीब 450 के करीब केंद्र हैं, मैं चारों जनपदों की बात कर रहा हूँ, 450 केंद्रों को लेके अभी तक हमारा जो लक्ष्य था उसका हमने करीब 92% क्रय कर लिया है, 92% क्रय कर लिया है। अभी भी क्रय केंद्र आपके खुले हुए हैं और हम आशावान हैं कि ये जो हमारा लक्ष्य है उसको हम पार करेंगे, 100% के ऊपर जाके हम धान का क्रय करेंगे। कुछ शिकायतें आई थी, कुछ उसमें हुआ था और हमने कई केसेस में FIR की, क्रय केंद्र जो ओनर हैं उनको, क्रय केंद्र को ब्लैकलिस्ट किया है, और फिर हम पूरी देखेंगे कि कहाँ पर कैसा क्रय केंद्र हुआ है। नॉट ओनली जिन क्रय केंद्रों को समय से नहीं खोला गया है या कम क्रय हुआ है, अपितु जिन क्रय केंद्रों पर ज़्यादा भी क्रय हुआ है, यदि एक अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा गया है, हम उसकी भी जांच करा रहे हैं। सो ये नहीं होना चाहिए कि किसानों का पेपर लेके किसी ने कोई गलत काम करने का प्रयास किया। और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे सारी चीज़ ऑनलाइन है, बैंक अकाउंट डिजिटाइज्ड हैं, एक एक आदमी को कितना पैसा गया है, विक्रेता को कितना पैसा मिला है, वो हमारे पास है। हम देखेंगे कि यदि किसी के अकाउंट में ज़्यादा गया है तो क्या उसका उससे कमेंसुरेट उसका रकबा है, उसका धान उत्पादन उतना होता है, ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि लास्ट ईयर की तुलना में इस बार अभी तक हमने लगभग 5000 और किसानों को उससे क्रय किया है। इसका मतलब जो प्रणाली है वो और डिसेंट्रलाइज हुई है और ज़्यादा किसानों को ले कर हमने क्रय किया है, ज़्यादा किसान परिवार बेनिफिटेड। कोई कार्रवाई भी हुई है सर मंडल में? हाँ, इसमें करीब एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है करीब 12-14 हमने FIR की हैं और करीब 5 केसेस में हमने ब्लैकलिस्ट किया है और कई क्रय केंद्र हमने बंद किए हैं और बाकी कुछ जांचें चल रही हैं, जिसके बाद हम शीर्ष जो अधिकारी हैं उन पर भी आवश्यकतानुसार कार्रवाई करेंगे।